हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल किड्स लर्निंग कॉर्नर। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एडिशन का कंसेप्ट, जो कि है क्लास फर्स्ट के लिए। इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि जो एडिशन होते हैं वो हम एडिशन बच्चे को किस तरीके से सिखा सकते हैं, एडिशन के कौन कौन से फैक्ट्स होते हैं, कैसे कैसे टाइप के हम एडिशन बच्चे को सिखा सकते हैं, हाउ मेनी वेज टू टीच एडिशन। तो बच्चे को एडिशन सिखाने के बहुत सारे वे तरीके होते हैं, तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे वही कि एडिशन करने के कौन कौन से तरीके होते हैं। इससे रिलेटेड हम वर्कशीट भी करेंगे। जैसे जैसे मैं इस वीडियो में आपको एडिशन बताऊंगी, ऐसे ऐसे हम सब्ट्रैक्शन भी बच्चे को सिखाते हैं। सेम तरीका वही होता है, बस थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो देर न करते हुए वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एंड तक जरूर वॉच आउट करें। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट है टू ऐड मींस टू पुट टुगेदर और टू जॉइन टू और मोर क्वांटिटीज। क्वांटिटीज होती है किसी चीज की संख्या कितनी है, जैसे टू है, थ्री है, फोर है, कितनी क्वांटिटीज है। टू ऐड होता है प्लस करना, मींस टू पुट टुगेदर, कोई भी चीज को पुट एक साथ रखना या एक साथ जोड़ना, उसको ज्वाइन करना, दो या दो से ज्यादा चीजों को जोड़ना एक साथ क्या कहलाता है, एडिशन कहलाता है। जैसे यहां पर मेरे पास 1+1 है और मैंने इसमें और भी 2 ऐड कर दिया है, सारी चीजों को इकट्ठा करना, ज्वाइन करना क्या कहलाता है, एडिशन कहलाता है। तो एडिशन फैक्ट्स अब हम जानेंगे कि एडिशन फैक्ट्स क्या होते हैं, एडिशन के क्या क्या वे होते हैं, क्या तरीके होते हैं, एडिशन करने के कौन कौन से तरीके हैं और वो कैसे किए जाते हैं। फर्स्ट है एडिशन फैक्ट 1। यहाँ पर हम एडिशन फैक्ट 1 देखेंगे कि कैसे एडिशन की जाती है। जसप्रीत हैड 2 बॉल्स, जसप्रीत के पास 2 बॉल्स हैं। हिज मदर गेव हिम 3 मोर, तो इसकी जो माँ है उसने उसको 3 बॉल्स जो है वो और दे दी है। तो अब जो आपको बताना है कि जसप्रीत के पास कितनी बॉल है। जसप्रीत के पास तो यहाँ पर 2 बॉल थी, 2 बॉल्स थी, उसकी मदर ने उसको 3 बॉल्स और दे दी। 2 और 3 को हम यहाँ क्या कर देंगे, इकट्ठा कर देंगे, एक साथ ज्वाइन कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ये हमारा आंसर निकल आएगा एडिशन का, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 बॉल्स हो गई है और हमारा आंसर क्या आ गया, 5 बॉल्स। तो जो जसप्रीत की मदर ने उसको कितनी बॉल दी थी, 3, और उसके पास 2 थी, टोटल हो गई 5। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जसप्रीत मदर गेव हिम 3 बॉल्स, जसप्रीत की मदर ने उसको 3 बॉल दी है। ही हैड ऑलरेडी 2 बॉल्स, उसके पास 2 बॉल ऑलरेडी है। 3 में प्लस कितना करना है हमें, 2, क्योंकि उसके पास 3 बॉल्स उसकी मदर ने दी है, 2 उसके पास है। 3+2 कितना हो गया, 5। 2+3 भी 5 होता है और 3+2 भी 5 होता है। देखिए 2+3=5 एंड 3+2=5। यहां हमें अभी हमने पढ़ा था फैक्ट नंबर 1। फैक्ट नंबर 1 यही है, जब हम सेम नंबर को प्लस करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो भी सेम ही आएगा। द सम रिमेन द सेम, जो सम है, जो आंसर है वो क्या आएगा, सेम आएगा। जब भी हम एडिशन करते हैं उसका जो आंसर आता है उसको हम सम बोलते हैं, और जब सब्ट्रैक्शन करते हैं तो उसका जो आंसर आता है उसको डिफरेंस भी जो होता है वो अलग होता है, एडिशन में उसको हम सम बोलते हैं। द सम रिमेन द सेम, जो सम आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा, क्योंकि जब भी हम सेम नंबर को डिजिट को प्लस करते हैं तो उसका जो आंसर है वो सेम आएगा। 2+3=5, 3+2=5। एडिशन फैक्ट 2, यहां पर आप देखेंगे एडिशन फैक्ट 2, ये हमने एडिशन फैक्ट 1 किया था। फैक्ट ये था कि दोनों जब सेम नंबर को प्लस करते हैं तो यहां पर हमारे पास सेम ही आंसर आता है। तो अब करेंगे एडिशन फैक्ट 2। आसिफ हैज 2 बॉक्सेस, आसिफ के पास 2 बॉक्सेस है। 1 बॉक्स हैज 4 चॉकलेट, एक बॉक्स में 4 चॉकलेट है। एंड अदर बॉक्स हैज नो चॉकलेट, और दूसरे बॉक्स में कोई चॉकलेट नहीं है। हाउ मेनी चॉकलेट डज ही हैव इन ऑल, अब उसके पास इन दोनों बॉक्स में कितनी चॉकलेट है। 1 बॉक्स में उसके पास क्या है, 4 चॉकलेट है। एंड जो सेकंड है उसमें कुछ भी नहीं है, नथिंग है, तो उसके पास कितनी होगी, एक में ही तो है बॉक्स, चाहे कितने भी हो चॉकलेट, तो उसके पास कितनी आएगी, 4। यानी कि 4+0 उसका आंसर, जब भी हम 0 में कोई भी नंबर एड करते हैं तो वो नंबर
उतने का उतना ही रहता है। नाउ लेट्स एड 0 टू अ फ्यू अदर नंबर्स। कुछ नंबर्स में यहाँ पर आपको एड करके दिखाया गया है। 2 प्लस 0 2, 4 प्लस 0 4, 0 प्लस 2 2, 0 प्लस 6 6। यानी कि जब भी हम जो 0 है हमारी उसमें कोई भी नंबर एड करते हैं, 0 का मतलब तो कुछ नहीं होता है, तो उसका मतलब जो नंबर हमें एड किया गया वो नंबर सेम का सेम रह जाएगा। When we add 0 to any number, जब भी हम 0 किसी भी नंबर में एड करते हैं, the answer is the same number। और जो आंसर क्या होता है, वही सेम नंबर ही आंसर होता है, क्योंकि 0 का मतलब यहाँ पर ना के बराबर होता है, तो नंबर भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। ऐसे ही किसी नंबर में से हम 0 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो नंबर उतने का उतना ही रहता है। एडिशन फैक्ट 3, यहाँ पर हम अब देखेंगे कि जो एडिशन का फैक्ट 3 है ये। रिया हैड 3 स्टोरी बुक्स। रिया के पास कितनी स्टोरी बुक्स हैं? 3। हर मदर गेव हर वन मोर, उसकी माँ ने एक और दे दी उसको। हाउ मेनी स्टोरी बुक्स डज शी हैव नाउ, अब उसके पास कितनी स्टोरी बुक है? उसके पास 3 स्टोरी बुक्स ऑलरेडी थी, 1 उसको गिवन हो गई, अब कितनी हो गई टोटल? 1 2 3 4। अब उसके पास रिया के पास कितनी स्टोरी बुक्स हैं? नाउ रिया हैड 4 स्टोरी बुक्स। When we add 1 to any number, यहाँ ये आपको बताया गया कि फैक्ट यहाँ पर क्या है। When we add 1, जब भी हम किसी चीज में 1 एड करते हैं, किसी भी नंबर में 1 एड करेंगे, the sum is the next number, जो आंसर होगा वो क्या होगा, नेक्स्ट नंबर। जैसे आपने 4 में 1 एड किया तो आंसर क्या आया, नेक्स्ट, यानी कि 5। 4 के नेक्स्ट नंबर क्या होता है, 5। ऐसे ही 5 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है, 6। वो 6 कब आएगा, जब भी हम 5 में 1 प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6। यहां था ये फैक्ट नंबर 3, जब भी हम किसी नंबर में 1 एड करेंगे तो हमें मिलेगा उसका नेक्स्ट नंबर। अब जो है एडिशन है वो वर्टिकली भी की जा सकती है और हॉरिजेंटली भी की जा सकती है। वर्टिकली का मतलब है ऐसे ऊपर नीचे लिख के जोड़ना, और हॉरिजेंटली का मतलब है ऐसे साइड में लिख के जोड़ना। 2 1 प्लस 3 3 प्लस 2 5 2 1 3 3 प्लस 2 5। आंसर सेम रहेगा लेकिन सिर्फ लिखने का तरीका बदल जाता है। ये वंस है यहाँ पर, जब भी 1 2 9 जो नंबर होता है हमारे पास उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम वंस बोलते हैं। एंड जो 10 या 10 से अबो 99 तक जब नंबर हो जाते हैं तो वो टेंथ में काउंट होने स्टार्ट हो जाते हैं। अभी हमने एडिशन के 3 फैक्ट्स पढ़े हैं, अब हम करने जा रहे हैं एडिशन यूजिंग नंबर लाइन। नंबर लाइन पे हमें एडिशन कैसे करनी है, नंबर लाइन को हम यूज करेंगे। लेट्स एड 3 एंड 2 ऑन अ नंबर लाइन, ये इसको हम नंबर लाइन बोलते हैं। इसमें नंबर लिखे होते हैं, मैंने यहाँ पर 20 तक ही लिए हैं। तो यहाँ पर जो है इस नंबर लाइन पे हमें ऐड करना होता है, वो कैसे करेंगे हम, वो देखिए यहाँ पर ये मैंने आपको करके दिखाया हुआ है। तो यहाँ पर जब हमें दिया हुआ है 3 प्लस 2, तो हम पहले देखो फिंगर है 3 पर, हमें ऐड कितना करना है 2, तो हम आगे 2 नंबर काउंट करेंगे 1 2। हम कहाँ पहुंच गए, वी रीच ऑन 5। हम किसके ऊपर पहुंच गए, 5 पर। प्लेस योर फिंगर ऑन 3 पर फिंगर रखिए, ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन पे जो 3 लिखा है उस पर अपनी फिंगर रखिए। देन मूव टू प्लेस, दो प्लेस दो जगह आगे चलिए। फॉरवर्ड काउंट, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड का मतलब होता है जो सीधी काउंटिंग होती है हमारी 1 2 3 4 5 100 तक, इसको हम फॉरवर्ड बोलते हैं, सीधा चलना, फॉरवर्ड काउंटिंग। यू रीच एट 5, हम कहां पहुंच गए, 5 पर पहुंच गए। 3 से 2 प्लेस हमें आगे चलना था, 1 2, कहां पहुंचे, 5 पर। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। 3 से हम 2 आगे गए तो 3 प्लस 2 कितना हो गया, 5। जिस नंबर पर हम पहुंचे हमारा आंसर भी वही होगा कि हम 3 प्लस में जब 2 प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 5। नेक्स्ट है एडिशन बाय फॉरवर्ड काउंटिंग, कि फॉरवर्ड काउंटिंग के अकॉर्डिंग एडिशन कैसे की जाती है। फॉरवर्ड काउंटिंग का मतलब अभी मैंने आपको बताया था 1 2 3 4 5, सीधी गिनती काउंट करना को क्या कहते हैं, फॉरवर्ड। लेट्स एड 7 एंड 4, 7 और 4 को हमें एड करना है। काउंट फॉरवर्ड 4 फ्रॉम 7, हमें 7 में 4 को प्लस करना है, तो हम क्या करेंगे, जो 7 है फ्रॉम 7, 7 से हमें 4 आगे चलना है, यानी कि 4 आगे काउंट करना है। वो हम कैसे करेंगे, देखिए हमारे पास नंबर है 7, अगर हम फिंगर पे करें इससे आगे हमें 4 काउंट करना था, 8 9 10 11, कहां पहुंच गए हम, 11 पर पहुंच गए। द काउंट रीचेज व्हेन द रिक्वायर, जितनी रिक्वायर है मतलब जितना हमें काउंट करना है उतना काउंट करें फिंगर पर। एंड स्ट्रेच आउट द सम, और हमें आंसर जो है वो मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, जितनी भी हमें आगे काउंट करना था, जैसे 7 से हमें आगे 4 काउंट करना था, 1 2 3 4,
काउंट कर लिए, ये फोर फिंगर हो गई, सेवन से आगे काउंट करेंगे 8, 9, 10, 11 और आंसर क्या आया जो है 11। देखिए ऐसे सेवन, सेवन के बाद हमने फोर नंबर जो है वो काउंट करे 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 और फोर पे हमें क्या मिला 11। तो इसका मतलब है 7 + 4 = 11। ऐसे ही नेक्स्ट है 11 + 5, तो हमें क्या करना है 11 से आगे 5 काउंट करना है 12, 13, 14, 15, 16 और हम कहां पहुंच गए 5 आगे काउंट करने के बाद 16 पर, तो हमारा आंसर क्या आएगा 16। हमें जिस भी नंबर में प्लस करना है उससे आगे 5 काउंट करेंगे। ये आपको कैसे पता चलेगा कि हमें 5 ही काउंट करना है, कंफ्यूज हो जाएंगे, तो ऐसे डॉट बना ले फिर उसके नीचे इससे आगे काउंटिंग लिख ले। ये हम काउंटिंग के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो जो नंबर हमें जिसके आगे काउंट जिसमें ऐड करना उसके आगे वाले नंबर लिख लेंगे, जितने ऐड करने हैं उतने ही नंबर हम यहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट जो है हमारा एडिशन बाय मेकिंग टेंस, ये जो एडिशन है ये टेंस बनाती है, तो टेंस और वंस का जो कंसेप्ट है मैथ में हम बच्चे को कराते हैं, फर्स्ट क्लास में होता है इसका कंसेप्ट, यूकेजी में भी होता है। तो ये हम कैसे करेंगे, सुनील हैड 6 फ्लावर, अनिता गेव हिम 5 मोर फ्लावर्स। सुनील के पास 6 फ्लावर्स थे, अनिता ने उसको 5 और दे दिए। फ्लावर्स डज सुनील हैव इन ऑल, अब सुनील के पास कितने फ्लावर्स, उसको मिले कितने 6, उसने और दे दिए 5, टोटल कितने हो गए, तो यहां पर हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 टोटल हो गए 11। हमें यहां पर टेंस बनाना है, तो हम क्या करेंगे कि यहां पर एक 10 फ्लावर्स का वो बना देंगे, पेयर बना देंगे। यहां पर 10 कोई भी जब चीजें 10 हो जाती है तो उसको हम 1 टेंस बोलते हैं, 10 = 1 टेंस। तो यहां पर 10 + 1 more = 11, जब 10 में 1 मोर और एड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 11। ऐसे ही यहां पर 6 + 5 = 11 है, यहां पर 6 चीजें हैं और उसके बाद हमें यहां पर देखिए आंसर क्या आया 6 + 5 = 11 आया, 10 तो हो गया टेंस बन गया और एक 1 मोर बच गया, तो टोटल कितना हो गया 11, 6 + 5 आंसर क्या आएगा 11। ऐसे ही ये वाला सम है। अब यहां पर टेंस और वंस का जो है इस पे मैंने यहां पर प्लस करके दिखाया है, ये वंस प्लेस है ये टेंस प्लेस है। सबसे पहले हम वंस प्लेस को ऐड करेंगे, 8 + 5 आंसर आ गया 13। अब आपको इस मुझे ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि जो 13 है उसमें कितने टेंस है और कितने वंस है। चलिए मैं ही आपको सॉल्व करके बता देती हूँ, जो 13 है उसमें 10 देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 10 का हमने पेयर बना लिया, कितने बच गए 3, तो 10 and 3 आंसर क्या आ जाएगा 13। 10 जो है उसका 1 टेंस बन गया और 3 जो है वो वंस प्लेस पे है, टोटल क्या आ गया हमारा आंसर 13। 1 to 9 जो नंबर होते हैं उनको हम वंस बोलते हैं, 10 and 10 से वो जब 99 तक नंबर होते हैं तो वो नंबर टेंस में काउंट होते हैं। नेक्स्ट है नंबर कॉम्बिनेशंस, नंबर कॉम्बिनेशंस का मतलब यहां पर होता है कि कोई नंबर आपको दिया है उसके आगे आपको आंसर बता दिया है कि और उसमें आपको ये बता दिया गया है कि इसमें इतना ऐड आपको करना है तब आपका ये आंसर आएगा। आपको आंसर पहले ही दे दिया और आपको ये बता दिया गया कि इसमें और कितना ऐड करोगे कि ये हमारा आंसर आए। यहां पर 2 कैंडीज है, इधर कुछ भी नहीं है, 2 + 0 आंसर आएगा 2, यहां पर कुछ नहीं, यहां पर 2 कैंडीज है, 0 + 2 आंसर आएगा 2। अब यहां पर हमें दिया है 4 और यहां पर दे दिया है 6 और यहां पर नहीं है नथिंग, यहां पर कुछ नहीं है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा आंसर 6 कैसे आएगा, हमें यहां वो नंबर चाहिए जब हमारा आंसर 6 आएगा, हम 4 से आगे काउंट करना स्टार्ट करेंगे 5, 6, हमने कितना काउंट किया 1, 2, 2 काउंट किया तो आंसर क्या आएगा यहां पर 2। ऐसे ही सेम यहां पर भी 2 + 4 = 6, 4 + 2 = 6। नेक्स्ट है एडिंग अ सिंगल डिजिट एंड टू डिजिट नंबर, सिंगल डिजिट यानी सिंगल ही नीचे है और टू डिजिट है ऊपर, इनको हमें ऐड करना है। रिमेम्बर योर प्लेस वैल्यू, आपको इंस्ट्रक्शन दी गई है कि अपनी प्लेस वैल्यू को रिमेम्बर यानी कि याद रखें। प्लेस वैल्यू का मतलब है वंस प्लेस एंड टेंस प्लेस, 5 + 1 = 6 और 1 का 1 नीचे आ जाएगा, कोई नंबर होता तो उसको हम ऐड कर लेते, नहीं है तो एज इट इज लिख देंगे। नेक्स्ट है स्टोरीसम, स्टोरीसम का मतलब है कोई आपको बात बताई गई कि उसके पास ये चीजें थी उसको और मिल गई, जैसे रितु हैड 7 टॉफीज, रितु के पास 7 टॉफीज है, हर मदर गेव हर 6 मोर, उसकी माँ ने उसको 6 मोर यानी कि और 6 ज्यादा दे दी है, हाउ मैनी टॉफीज डज शी हैव नाउ, अब उसके पास कितनी टॉफीज है 7 + 6 = 13, रितु हैज 13 टॉफीज नाउ, ये है इसको हम स्टोरी सम बोलते हैं। इस टाइप के सम्स को क्या बोलते हैं, स्टोरी सम्स।
आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आई होप शायद थोड़ी ज्यादा लंबी हो गई है, पर वीडियो को एंड तक जरूर देखें, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। आपको पता चलेगा कि एडिशन के कितने वे होते हैं, कितने फैक्ट्स होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू, गुड डे, टिल देन, बाय बाय।